डीजे किसने बजा डीजे दिनेश राजभर जी, आपसे निवेदन है कि कृपया मंच पर उपस्थित हो और हमारे बीच में अपनी कला और प्रतिभा का प्रदर्शन करें। सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार प्रणाम। एक बार बोलो जय सुखदेव। उसमें बेमानी कर रहे लोग करके वहां डाले कि ऐसा नहीं होगा। अगर आप लोग आज भरे तो बहुत कम से हाथ तो खा लीजिए। एक बार बोलो जय सुहेलदेव। कुछ लोग सूती गाने में लगे हुए देख लीजिए। कहना चाहता हूं कि हर एक इंसान के जीवन में कभी खुशी और कभी कम होता है। अरे ताजा वही बना के जिनके हाथों में कम होता है। तो और मैं दिनेश कुमार राठौर दिल्ली के मनाटिश में इंडिया से लौटा अंतर्गत समाज करने का मुझे बहुत बड़ा सहयोग मिला है। और सबसे पहले मैं अपने बड़े भैया धर्मेंद्र जी बहुत जी के लिए जो कहना चाहिए आप लोग बीच में कहते हैं कि नित्य पार्टी के चंदन से कम नहीं और यहाँ पर जितने भी आप हर बैठे किसी लंदन वाले से कम नहीं। तो एक बार जो कह लीजिए आप लोग बीच में। तो आप लोग ने ये देखिए राष्ट्रीय राठौर सेवा संघ आज मुझे बहुत बड़ा मौका मिला है जिन्होंने मुझे संदेश भेज दिया और भैया जी ने मुझे बुलाया है। तो आइए मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ अपने आवाज के माध्यम से गले से कितनी मैं आवाज निकालता हूँ। तो पहले मैं आवाज निकाल चुका डीजे किसने बजा डीजे जब हम लोग ट्रेन पकड़ने की जो कोशिश करिए आने के लिए मरी लाइन में तो ट्रेन देखिए आगे जब आ रही थी तो मेरे पास भाई भैया बोल रहे थे यार ट्रेन कब आएगी कब आएगी। मैं बोला घबराइए मत, मैं आपको पहले भी ले चलता हूँ। तो देखिए जब ट्रेन जब आती है तो उसकी आवाज कैसे आती है आपको वीडियो सुनाया था हूँ। मुंबई ट्रेन जाने वाली दादर सुपरफास्ट 12:30 पर रवाना हो रही है। तो देखिए उस इंजन के मालिक हमारे बड़े धर्मेंद्र जी हैं। पहला आवाज ले चलते हैं
अगर मान लीजिए कि कहीं भीड़ भड़क अगर हो जाता है कहीं पे, शायद कभी हमने मेरे जानी भैया के साथ में कुछ लोग पुलिस वाले लोग भी वहां पे इकट्ठे हो गए थे, भैया देख रहे थे और पुलिस वाले बोले यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे भीड़ हटाने के लिए। परविंदर जी ने बोले कि भाई कुछ भीड़ तो हटाइए, तो मैं रक्की के साथ में हटा रहा हूँ। अब देखिए आप पूरे बीच में एम्बुलेंस की आवाज निकालने से पहले भी उसकी स्टार्ट किस तरह से किया जाता है आप लोग बीच में निकाल चला हूँ। जीप की स्टार्ट करिए, और कोई भी मौका मिलेगा तो जरूर उससे
सब लोग खाने लगे।